कानपुर में सामने आई पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी लापरवाही। कैसे बक्से में रखे रखे गल गया 42 लाख का कैश। आरबीआई ने पीएनबी के अधिकारियों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पंजाब नेशनल बैंक की पांडू नगर शाखा में रखी 42 लाख करेंसी गल गई। यह रुपए करेंसी चेस्ट में रखे हुए थे। 42 लाख रुपए करेंसी गलने की जानकारी बैंक के किसी अधिकारी को नहीं हो सकी। लेकिन जुलाई के अंत में जब आरबीआई ने करेंसी चेस्ट का ऑडिट किया तो मामले का खुलासा हो सका। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब बैंक के 4 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में वरिष्ठ प्रबंधक करेंसी चेस्ट देवी शंकर सहित 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। इनमें से 3 अफसर हाल ही में तबादला होकर यहां आए थे। हालांकि 42 लाख रुपए पानी में गलने के बाद बैंक अफसर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में नोट गलने का खुलासा कर दिया है। खबर के मुताबिक पांडू नगर में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में ही मुख्य करेंसी चेस्ट है। यहां करीब 3 महीने पहले नोटों को एक बक्से में भर कर रखा गया था। इसी दौरान किसी तरफ से नोटों के बक्से में पानी चला गया। इस दौरान बक्से को देखा नहीं गया तो उसमें रखी 42 लाख रुपए की करेंसी गल गई। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की टीम ने 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक शाखा की करेंसी चेस्ट का निरीक्षण किया था। गिनती के दौरान पता चला कि 42 लाख रुपए के नोट गल गए। मामले में देवी शंकर वरिष्ठ प्रबंधक करेंसी चेस्ट को सस्पेंड किया गया है। वे तबादला होकर 25 जुलाई को ही आए थे, जबकि चेस्ट में रुपए के गलने की घटना इसके पहले की है। फिलहाल पीएनबी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूवी इंडिया न्यूज़।